हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज और इसमें हम लोग देख रहे हैं फिलहाल इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ एक कोर्स डिटेल्स है जो प्रीलिम्स स्पेशल मेंस स्पेशल है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग जब पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने हमारे पूरे इकोनॉमिक्स को 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, जिसमें से हम लोगों ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड टर्शियरी सेक्टर, ये बेसिकली हम लोगों ने देख लिया है। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं, इससे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आएंगे हमारे सबसे मेन चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलूंगा इसको। इस पर हम लोग आ जाते हैं, दैट इज पॉवर्टी प्लानिंग फाइनेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो फटाफट देखते हैं इसमें क्या कुछ है और हम लोग देखेंगे इसमें जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है उसके सारे के सारे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year plan रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। देखिए जितने ये 5-year plan से रिलेटेड चीजें हैं, इनका केवल और केवल आपको करना क्या है, थीम याद रखनी है। थीम याद रखनी है कि सेंट्रल थीम क्या थी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी स्कीम का क्या डेट रहा है। मतलब बेसिकली हमारे पास 3 annual plan थे, या इसको हम लोग बोल देते हैं रोलिंग प्लान। ये आपको डेट केवल पता होना चाहिए, हालांकि चांसेस बहुत कम है इसके आने के, लेकिन एक बार इसको ध्यान में हमेशा रख लेना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है तो इधर उधर करते हुए आ जाता है। बट आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है 12th 5-year plan की, कि आखिर में इसका क्या थीम रहा है, क्योंकि इसके 2017 में इसको खत्म हो जाना था बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2019 तक के लिए। तो हाई चांसेस आर देयर कि 12th 5-year plan की एटलीस्ट इसकी थीम जरूर पूछ ली जाएगी, सेंट्रल थीम क्या है। तो मोर इंक्लूसिव एंड मोर सस्टेनेबल, यही इसकी थीम है। मोर इंक्लूसिव एंड मोर सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, तो ये इसकी स्कीम का सेंट्रल थीम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोर ऑफ द डेवलपमेंटल एफर्ट जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी थी, तो वो 8 5-year plan थी। हालांकि नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन डायरेक्टली स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अगेन देखिए क्वेश्चन हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लान्ड और नॉन प्लान्ड इन दोनों के दोनों को हम लोगों ने अब मर्ज कर दिया है। तो मर्ज कर देने के बाद अब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सारा ही इसका आंसर फिर भी हो जा रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये हमारे लिए अब कोई भी रिलेवेंट नहीं रह गया इसका टर्म, क्योंकि अब हम ये सारे सारे मर्ज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनुअल रेट एम्ड इन 8 5-year plan। देखिए 1995 का क्वेश्चन और उस दौरान में ये हमारी 8 5-year plan चल रही थी, इस वजह से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, यहां पर हमें स्मार्ट स्टडी करनी है और इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं पूछे जाएंगे। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं करंट इवेंट्स के होते हैं, तो करंट इवेंट्स हमें ध्यान में ज्यादा अच्छे से रखना होगा। मुझे एक और इशू आ रही थी, इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से आ रही थी, आप लोगों ने बोला कि जैसे करंट अफेयर्स के लिए लोग बोल रहे थे कि प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें कैसे करें। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए फर्स्ट थिंग, आप किसी भी एक मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, किसी भी एक मैगजीन को जो भी मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल्स भी आते हैं, तो किसी एक को आप फॉलो करते रहिए। दूसरा, कुछ कुछ मैं वीडियोस भी निकालूंगा और वो वीडियोस ऐसी हो जाएंगी जैसे गवर्नमेंट की कौन सी डिपार्टमेंट ने क्या निकाला हुआ है। तो इस तरीके की स्पेसिफिक चीज आपको ना तो इंटरनेट पे मिलेगी और ना ही मैगजीन वगैरह में मिलेगी, तो यहां पर मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बता दूंगा। तीसरा, निकालने को तो मैं भी वीडियो की कंपाइलेशन निकालूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है किसी मैगजीन में तो आप देख सकते हैं या फिर अदरवाइज भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, देखेंगे मेरा ही भला होगा। लेकिन खैर इस तरीके की वीडियोस, बट मैं आपको इंफोसाइज करूंगा किसी भी एक मैगजीन को लेकर के चलिए और इससे रिलेटेड चीजों को देखते रहिए। बाकी इस समय मैं कहूंगा कि जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से इस समय काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हो रहे होते हैं, तो इस समय न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जितना डिले होगा उतना ज्यादा करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय जितने भी प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं या फिर कोचिंग मटेरियल होते हैं ये सब फिर काम नहीं कर पाती है, क्योंकि यूपीएससी फिर बहुत बारीक चीजों में जाती है, छोटी मोटी चीजों में चली जाती है जो कि जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा नहीं फोकस किया जा रहा होता है। तो यही चीज है, यही चीज आपको बोलना था कि बेसिकली आप मैगजीन को फॉलो करते रहिए और कुछ वीडियोज जो मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली देखने को टेलीग्राम चैनल में,
वो आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी कंपाइलेशन आपकी श्रद्धा के ऊपर है, अगर आपको देखना है एनएन इट्रीज ओके, अदरवाइज ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं भी इन्हीं सब सोर्सेस से, इन्हीं कोचिंग मटेरियल और इन्हीं मैगजीन्स वगैरह से उठा करके ही मैं भी बनाऊंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कंपाइलेशन आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ 8 5-year plan कम्स फ्रॉम, कहां से आया है। अगेन इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि यहां पर भी देखिए फिर से आठवीं 8 5-year plan के बारे में 1995 का क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं है, छोड़ दीजिए आप इसको, बिल्कुल इसका आंसर ही नहीं देखना है। फिर उसके बाद से 1995 में, फिर उस समय की 1992 ओरिएंटेड एक करंट अफेयर्स है, न्यू एग्जिम पॉलिसी स्किप करेंगे हम लोग क्योंकि रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से एक बोलता है, पहला स्टेटमेंट अजर्शन बोलता है एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी। हमारे पास बेसिकली 3 टर्म होते हैं, एक होती है जो लिबरलाइजेशन की होती है, दूसरी होती है जो प्राइवेटाइजेशन की होती है, और तीसरी होती है जो ग्लोबलाइजेशन की हो रही होती है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है जब मार्केट को आप लिबरल कर रहे हैं, यानी मार्केट को आप आसान बना दे रहे हैं, यानी कि यहां से जो लाइसेंस राज वगैरह हुआ करता था वो हटा दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो गई है, प्राइवेट प्लेयर्स भी यहां पर आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही आ जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर एफडीआई एफपीआई वाली चीजें आना शुरू हो जाएंगी, तो ये तीनों का अलग अलग मतलब हो जा रहा होता है। यहां पर लिबरलाइजेशन में प्राइवेट भी पा सकते हैं लाइसेंस, और जो हमारी प्राइवेट और जो सरकारी संस्थाएं हैं दोनों का ही लिबरलाइजेशन कर दिया गया था, कुछ सेक्टर्स ओपन कर दिए गए थे जहां पर प्राइवेट प्लेयर अब एंट्री पा सकते थे, वहां पर ये अपना बिजनेस कर सकते थे, ओपन कर सकते थे, तो ये चीज हो गई। बेसिकली अगर लिबरलाइजेशन के बारे में बात करें तो मार्केट को ओपन करना हुआ, और मार्केट को ओपन करने का मतलब क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी को रिडक्शन करना, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रीजन के बारे में बात करें तो रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, आपने रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया यानी कि बाहर से चीजें आना शुरू हो जाएंगी, तो लोकल एंटरप्रेन्योर अब इंप्रूव करनी पड़ेगी इनको टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट, बिल्कुल करेक्ट है, और इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा यही चीज की, हाँ इनको मार्केट को देखना पड़ेगा, तो दिस विल आंसर विल बी ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, 8 5-year plan अगेन 1996 का, किसी काम का नहीं है, स्किप करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आ जाता है, मोस्ट इंटरनेशनल एजेंसीज विच फाइंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम इन इंडिया और इंटर गवर्नमेंटल बायलेटरल एग्रीमेंट मेनली प्रोवाइड, जैसे कि कुछ हमारी जैसे मोस्ट इंटरनेशनल एजेंसीज, जैसे मान लेते हैं IMF हो गया, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गई, या UNDP हो गया, UNEP हो गया, नंबर ऑफ तरीके से नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में चला रही होती हैं। कहां कहां ये चला सकती हैं, भाई हर जगह चला सकती हैं, टेक्निकल असिस्टेंस भी दे सकती हैं, सॉफ्ट लोन भी दे सकती हैं, ग्रांट भी दे सकती हैं, और फूड असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकती हैं। ऊपर के 3 जब आप देखेंगे तो ये क्या है, नॉर्मल रेगुलर जीवन में है, रेगुलर ये कभी भी किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद दिस इकोनॉमिक सिचुएशन। लेकिन जो फूड असिस्टेंस की बात है, ये जनरली तब आएगा जब कोई डिजास्टर आया हो, जब फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, तो इसी वजह से हालांकि यहां पर देखिए ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सारे ही होने चाहिए, बट यहां पर मोस्ट करेक्ट जो होता है 1, 2 और 3 हो जाएगा बी। हालांकि अभी अगर ये 2020 में अगर ये एग्जाम में आता है ये ऑप्शन, तो ऑब्वियसली वहां पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यही चीज ज्यादा मोस्ट करेक्ट हो रही होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंपोर्टेड बाय इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे देख लेते हैं क्या चीज है। हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है जो हमारा इंपोर्ट करना होता है, दूसरी चीज होती है जो हमें एक्सपोर्ट करनी होती है। तो दिस इज इंपोर्ट एक साइड में, दूसरे साइड में हम लोग लिख लेते हैं एक्सपोर्ट। कौन कौन से आइटम इंपोर्ट किए जाते हैं देख लेते हैं। सबसे ज्यादा किया जाता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बाद किया जाता है गोल्ड, फिर किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर किया जाता है कोल, और फिर किया जाता है कोक एंड ब्रिकेट्स। ये हमारी हो जाती है जो आइटम बेसिकली इंपोर्ट की जा रही होती है। एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है पेट्रोलियम, और ये क्लीन पेट्रोलियम होता है, जैसे नेपाल को बांग्लादेश को हम लोग ये दे रहे होते हैं, तो पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम के अलावा प्रीशियस स्टोन्स दिया जाता है, इसके अलावा ड्रग फॉर्मेशन, ड्रग्स दे रहे होते हैं हम लोग, ड्रग फॉर्मेशन हो गया। फिर बायोलॉजिकल
आइटम्स दे रहे होते हैं, गोल्ड दे रहे होते हैं और अदर प्रीशियस आइटम्स दे रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हो गई इंपोर्ट और ये हो गई बेसिकली एक्सपोर्ट। कंट्रीज के बारे में देखिए, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमसे इंपोर्ट, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनसे सबसे टॉप पे आ जाती है चाइना, दूसरे नंबर पे आ जाती है यूएसए, तीसरे नंबर पे आ जाती है यूएई और चौथे नंबर पे आ जाती है हमारी सऊदी अरेबिया। एक्सपोर्ट के मामले में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यूएस को किया जाता है, सेकेंड नंबर पे किया जाता है यूएई को, फिर आ जाती है हमारी चाइना और लास्ट में आ जाती है हांगकांग। तो बेसिकली ये है पूरा का पूरा सीन जो आपको ध्यान रखना है, ये पूरी टेबल आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर अगर बात करें कि कौन सा सीक्वेंस है इसमें कि कैसे क्या करेक्ट है, तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा किसका है, पेट्रोलियम का है, तो टू नंबर सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद से पेट्रोलियम के बाद प्रीशियस मेटल्स ये सब आ जाएंगे, तो टू के बाद थ्री आ जाएगा, फिर उसके बाद से ड्रग फॉर्मेशन है, तो ड्रग का मतलब केमिकल हो गया, तो दिस इज फोर, फिर उसके बाद से बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आ जाती है या फिर बाद में गोल्ड वगैरह कह सकते हैं, तो इसके बाद से आप हालांकि ले सकते हैं हमारी आयरन स्टील और कैपिटल गुड्स, तो बेसिकली फाइव एंड देन वन, टू थ्री फोर फाइव वन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यहां पर कोई भी करेक्ट नहीं होगा, ये बेसिकली हमारा आज का आंसर है। 2020 में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग यही आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6-5 ईयर प्लान और 8-5 ईयर प्लान, दोनों के बीच में 7-5 ईयर प्लान एक छूट गया है और उसी का ईयर पूछ रहा है, तो ईयर सीधी सी बात है 1980 से 85, 85 से 90, फिर 90 से 91 और 91 से 92, ये दो एनुअल प्लान आए थे, फिर जाकर के 92 तो स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली यहां पर भी क्या है, डेट ओरिएंटेड पूछ लिया था या कह सकते हैं कि ईयर ओरिएंटेड पूछ लिया था, बेसिक नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट कर रही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रहा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ये कोई काम नहीं कर रही होती है, बाकी आपको पता ही लग गया। नेक्स्ट आती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड सप्लाईज मैक्सिमम ऑफ आवर इंपोर्टेड कमोडिटी। देखिए इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है, चाइना से हो रहा है, यूएस से हो रहा है, यूएई से हो रहा है, सऊदी अरेबिया से हो रहा है, तीन कंट्री तो अपने आप एशिया से आ गई, तो अपने आप सबसे ज्यादा कहां से हो जाएगा, एशिया एंड ओशियानिया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्लानिंग प्रोसेस इन इज द इंडस्ट्री सेक्टर इन इंडिया हैज अज्यूम्ड अ रिलेटिवली लेस इंपोर्टेंट पोजीशन इन द 90s एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्ली पीरियड। तो जो इंडस्ट्री में सब शुरू में हम लोगों ने काफी अच्छा, काफी ज्यादा ध्यान दिया था इन आवर आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, लेकिन 90s के टाइम पे कुछ ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं था, उसका रीजन क्या था, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा करेक्ट नहीं है, देखते हैं ऑप्शन पढ़ के। कहता है विद द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया, मार्केट राज खत्म हो गया, लाइसेंस राज खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट हैव लार्जली बीन प्लेस्ड विद इन द डोमेन ऑफ प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल, करेक्ट है क्योंकि दोनों की एंट्री हो चुकी है, विथ मार्केट एज्यूमिंग अ सेंट्रल प्लेस द रोल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इन मेनी सेक्टर हैज बीन रेंडर्ड रिलक्टेंट, ये भी करेक्ट है। फिर हो जाती है द फोकस ऑफ प्लानिंग हैज शिफ्टेड टू सेक्टर्स लाइक ह्यूमन रिसोर्स, ये भी करेक्ट है, 8-5 ईयर प्लान के दौरान में यही हुआ था। फिर होती है नेशंस प्रायोरिटीज हैव शिफ्टेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू रूरल डेवलपमेंट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है, बस ये है लिबरलाइज कर दिया गया था, प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी कि ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पुराना है, लेकिन आज की डेट में इसी तरीके का एक फंड है जिसका नाम है डीएमएफ, जिसको बोला था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो यहां पर पूछा गया है नेशनल रिन्यूअल फंड किसके लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्ट, ये सब बिल्कुल नहीं है, ये बनाया गया था टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर हु मे बी अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द सिक यूनिट्स। लेकिन आज की डेट में अगर डीएमएफ के बारे में बात करें तो यही एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन पाता है इस तरीके के क्वेश्चन से। यहां पर अगर देखेंगे तो इस डीएमएफ को बनाया गया था मिनरल पॉलिसी के अंतर्गत, मिनरल पॉलिसी के अंतर्गत 2015 में, और इस डीएमएफ में जो पैसा आता है वो कॉर्पोरेट्स खुद दे रहे होते हैं, कॉर्पोरेट्स के द्वारा पैसा आ रहा होता है, ये एक ट्रस्ट का फॉर्मेट होता है, ये ट्रस्ट होती है। पैसे का यूज कहां किया जाता है, पैसे का यूज किया जाता है जो भी यहां पर लेबर वगैरह काम कर रहे होते हैं उनकी हेल्थ अगर खराब होती है तो उनके हेल्थ के लिए, तो बेसिकली कह सकते हैं कि हेल्थ प्रोटेक्शन एक तरीके का फंड है ये, जो यहाँ के लेबरर को दे दिया जा रहा होता है। तो दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम इनवाइसेज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल एरिया फॉर गारंटिंग एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट। ये देखिए नरेगा स्कीम्स वगैरह उस समय आ रखी थी और उस समय का ये प्लान था कि एक आदमी और एक औरत को फैमिली में से दिया जाएगा जो भी बीपीएल है, तो ये बेसिकली दिया गया। आज की डेट में तो खैर ओपन कर दिया गया है, एनीवन कैन कम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, सेंसेक्स का मतलब क्या है? सेंसेक्स का मतलब होता है ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए ग्रुप अप कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बीएससी। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग काफी डिस्कस कर रखे हैं कि हमारे पास एक बीएससी होती है और इसी तरीके से हमारी एनएससी होती है। एनएससी में 50 कंपनीज का शेयर होता है जिसके लिए हम लोग निकालते हैं निफ्टी, दिस इज निफ्टी। और बीएससी में 30 कंपनी का शेयर होता है, 30 कंपनीज के माध्यम से हम लोग निकाल रहे होते हैं इसका सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, क्या चीज है ये? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि चीजें निकल करके आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, एजोशन रीजन है, यहां पर बोलता है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज शोन एप्रिशिएबली इंक्रीज आफ्टर 1991। ये देखिए अगेन वही क्वेश्चन आ गया, पोस्ट 1991 और प्री 1991 वाला केस है। तो दिस इज प्री और यहां पर पोस्ट। अगेन यहां पर क्या है, बहुत ही सरफेशियल लेवल पे या कह सकते हैं कि बहुत ही मैक्रो लेवल पे आपको देखना होता है। माइक्रो लेवल पे जब आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये मतलब इसका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, लेकिन मैक्रो लेवल पे जब आप देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारा यहाँ पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ करता था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, लेकिन यहां पर हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो रिलेटिवली ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इंपोर्ट। आज की डेट में अगर बात करें तो देखिए हमारा इंपोर्ट भी घटा है, हमारा एक्सपोर्ट भी घटा है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा घटा है एज कंपेयर टू द इंपोर्ट। क्लियर हो गया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसॉर्टेड टू डिवेल्युएशन। क्या डिवेल्युएशन कर रखी है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो देखिए यहां पर क्या हुआ था, डिवेल्युएशन के कारण से यहां पर मार्केट ड्रिवन हो गई थी हमारी इकॉनमी एंड एज पार्ट ऑफ रिजल्ट यहां पर डिवेल्युएशन हो गई। तो आंसर हो जाएगा इसका ये। हालांकि अगेन ये हमारे लिए कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन इस समय के लिए तो नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली स्किप दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में आएंगे। तो यहां पर बेसिकली है कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जा रही होती है। यहां पर जब आप देखेंगे तो बेसिकली यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा ये, यहां पर कोई डाउट नहीं है। हालांकि सारे के सारे इसी तरीके से निकाल रहे होते हैं। इस सारे की चीज के लिए एक लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट क्या पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, और ग्रुप को देखने के लिए आप पहले टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहीं से आपको सारे मटेरियल की एक्सेस मिल जाती है, या इसके अलावा भी ड्राइव की एक लिंक दी गई है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाकर के आप सारी पीडीएफ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है इंस्टिल इनटू द वास्ट मिलियंस ऑफ वर्कर मैन वुमेन हु एक्चुअली डू द जॉब एंड पार्टनरशिप, ये सब दिया गया है, किससे रिलेटेड है? देखिए दिस इज रिलेटेड विद द कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये ऑलरेडी उस समय की करंट अफेयर्स की बात है तो इस वजह से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ क्या सकते हैं, इसको छोड़ ही दीजिए, किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से रिलेटेड चीज, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, कब से स्टार्ट होता है? क्या ये सब्सटेंशियल चेंज इन लाइसेंस पॉलिसी होती है? यस, यही हम लोगों ने अभी देखा ही था। लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट राज या फिर कह लीजिए कि लाइसेंस राज हम लोगों ने खत्म कर दिया था। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब होता है कि इसको ग्लोबलाइज कर दिया गया है। डूइंग अवे विद द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगेन ये ग्लोबलाइजेशन हो गई है। टैक्स रेट में कट करने का मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। तो ये इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर आ जाए तो इंडियन रूपी इज कन्वर्टेबल। देखिए फुल्ली कन्वर्टेबल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारी प्री 1991 से पहले के अगर बारे में बात करें तो ये कन्वर्टेबल नहीं थी, कन्वर्टेबल नहीं थी। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की सीरीज में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन 1991 के बाद से बात करें तो 1992 से 1996 तक ये कन्वर्टेबल बनाया गया था 60% 40% से 60% करंट पे किया गया है और कैपिटल पे 40%। बाद में 96 के बाद इसको फुल कन्वर्टिबिलिटी दे दी गई, फुल कन्वर्टिबिलिटी किस पर? करंट पर। लेकिन जो कैपिटल है उस पर भी अभी भी फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, यहां पर मैं जवाब नहीं दूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, देखते हैं कितने लोगों को याद है।
एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जो हमारी कैपिटल अकाउंट है इस पर भी फुल्ली कन्वर्टिबल कर देना चाहिए। आपको बताना है कि ये कौन सी कमेटी है, कमेटी का नाम क्या है। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है इस वजह से क्वेश्चन आने की संभावना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा आखिर में इस कमेटी का नाम क्या है। यहां पर जब आप देखेंगे तो गोल्ड में तो बिल्कुल नहीं है, बाकी इन दोनों में कन्वर्टेबिलिटी है, तो आप बोल सकते हैं कि यस इन दोनों में कन्वर्टेबिलिटी है, हो जाएगा आंसर हमारा सी। क्लियर हो गया। इनफैक्ट फुल कन्वर्टेबिलिटी पूछा गया है, तो फुल कन्वर्टेबिलिटी में कैपिटल पे फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, आंसर हो जाएगा ए इसका। करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा, वो गलती से मैंने बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस, तो पर कैपिटा इनकम एट करंट आ गया, और दूसरी है पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। सीधी सी बात है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक हमारा चलता है मार्केट के हिसाब से, मार्केट का मतलब जो प्राइस राइज कर रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन या फिर इंक्रीज इन प्राइस लेवल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल और स्पेशल सिक्योरिटी टू आरबीआई, कौन सा इंटरनल है। इंटरनल डेप्ट का मतलब होता है जब आप कंट्री के अंदर से ही चीजों को कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नल डेप्ट तब होता है जब बाहर की किसी कंट्री से कोई चीज ले रहे होते हैं। जब यहां पर देखेंगे सारा का सारा जो होता है कंट्री के अंदर में ही चीजें चल रही है, इसलिए सारा का सारा इंटरनल डेप्ट ही कहलाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है, आंसर हो जाएगा डी। लास्ट पार्ट आ जाती है, यहां पर आती है क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर बोलता है कि ग्लोबल कैपिटल फ्लोज टू द डेवलपिंग कंट्री इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 90s, 90s के दौरान में काफी ज्यादा ग्लोबल कैपिटल फ्लो जो होती है वो बढ़ी थी, इंक्रीज की थी। इन व्यू ऑफ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लैटिन अमेरिका एक्सपीरियंस, विच टाइप ऑफ इन्फ्लो इज गुड फॉर द कंट्री, कौन से तरीके की बढ़िया होती है। देखिए कमर्शियल लोन कभी भी बढ़िया नहीं होता है क्योंकि इससे इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, अच्छा नहीं होता है क्योंकि कभी भी ये रिटर्न बैक कर जाते हैं, डिस इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अगेन नहीं सही होता है क्योंकि अगेन इस पर इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो इस वजह से ये भी बढ़िया नहीं होता है। तो बच गया केवल और केवल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा अप्रूव होता है फाइव ईयर प्लान, ये बनाया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा और अप्रूव किया जाता था एनडीसी के द्वारा। क्वेश्चन किसी काम का नहीं है क्योंकि ये दोनों ही बॉडी हटा दी गई है, स्क्रैप कर दी गई है, खत्म हो गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जो इररिलेवेंट हो रखे हैं, 2010 के पहले पहले जितने भी क्वेश्चन है वो इररिलेवेंट है, और इनफैक्ट हम लोग 2006 पे ही अभी चल रहे हैं, तो देखेंगे क्या कुछ है। अपने तरफ से मैं सारा इनपुट आपको दे रहा हूं कि कहां कहां क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको काफी आसानी होगी, इनफैक्ट देयर इज हाई चांस कि यूपीएससी आपसे ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछे। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करें, यहां पर बोलता है कि कंट्री को डेप्ट ट्रैप में कब बोला जाएगा, व्हाट इज डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप बोला जाता है जब मान लेते हैं कोई कंट्री है श्रीलंका, उसने चाइना से मान लेते हैं कि लोन लिया कितने का, 2 करोड़ रुपए का, इस 2 करोड़ का इंटरेस्ट जो बना है मान लेते हैं 1-1 लाख रुपए इंटरेस्ट बन रहा है, अब ये 1-1 लाख रुपए भी जनरेट नहीं कर पा रही है, तो श्रीलंका फिर वापस से चाइना से लोन लेता है 1-1 लाख का, और कहता है कि यार तुमको तुम्हारा इंटरेस्ट देने के लिए हमें लोन देना है, तो ये जो लोन ले रहा है वो बेसिकली इंटरेस्ट को चुकाने के लिए ले रहा है, और इस तरीके से इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं डेप्ट ट्रैप, जहां पर आप पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुके हैं। तो देखेंगे इसमें क्या आंसर है, इट हैज टू बारो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं यहां पर। इट हैज टू अवॉइड बाई कंडीशनैलिटीज इम्पोज बाई IMF, नो, IMF से कोई मतलब नहीं है। इट हैज बीन रिफ्यूज लोन टू एड क्रिएटर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक चार्ज नहीं करती है, आंसर इसका हो जाएगा ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सर्विस टैक्स क्या है। देखिए सब के सब जीएसटी में चले गए इसलिए किसी काम का नहीं है, क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखेंगे तो जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है जीएसटी। आप लोग ध्यान रखिएगा जीएसटी के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज इकोनॉमिक्स के जीएसटी वाले लेक्चर में जाकर के उसको देख लीजिए, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत ही डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है। चले फिर आज की हमारी यही डिस्कशन थी, अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से ज्वाइन करके अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।